नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, आज अंडा का रेसिपी बनाया जा रहा है। तो अंडा को पहले आलू और अंडे उबालेंगे, थाली से ढक के पका लेना है। मसाले को सिलबट्टे पे पीस लेना है। तो गरम मसाला हमने लिया हुआ है, सूखी धनिया, सूखी मिर्च, लहसुन का कली, प्याज, सभी सामग्री को आपस में मिक्स करके पीस लेंगे। जीरा है, अंडे पक चुके हैं तो इनका छिलका निकाल लेना है। अभी आलू चुर रहा है, अंडे का छिलका निकाल लिया है। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल फ्राई होने के लिए। तेल गरम है, अब डालेंगे अंडा फ्राई होने के लिए। दो तीन मिनट के लिए इसे नीचे पकने देते हैं। ये देखिए नीचे के साइड में गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो एक एक करके इसी तरीके से पलट देना है। अंडे बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तड़का लगाने के लिए डालना है प्याज, अच्छे से भून लेना है। तड़के पक चुके हैं, पिसा हुआ मसाला हल्दी पाउडर साथ में डालेंगे भूनने के लिए। मसाले बढ़िया से पक चुके हैं, अब डालना है पानी। ग्रेवी के अनुसार डालना है पानी, थोड़ा से डालेंगे रतन जोश। मसाले और पानी को पका लेना है। उबाले हुए आलू को डाल देना है। सारी सामग्री बहुत बढ़िया से पक चुकी है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर लाल। अब चला देना है। अब डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अंडे की सब्जी ये देखिए बहुत बढ़िया से पक रही है, थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ती। दोस्तों अंडे की सब्जी बनके तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसी तरीके से मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।